कैसा रहने वाला है 2024 का सितंबर, किन नंबर्स के लिए ये मंथ जो है अच्छा रहेगा, किन नंबर्स के लिए ये मंथ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा और किन के लिए थोड़ा न्यूट्रल रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। इसके अलावा जो नंबर 9 है, जो लोग भी 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए हैं उनके लिए ये मंथ थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएट करना चाहते हैं तो ये जो स्पेसिफिक डेट्स है, इन डेट्स पे अगर आप इन चीजों को करेंगे तब भी चीजें आपके फेवर में जा सकती है। नमस्ते, राधे राधे, मैं मनीष के मौर्या। चलिए, अब मंथ एंड आ गया है और मंथ एंड में अगले मंथ की सितंबर 2024 के प्रेडिक्शन की बात करते हैं हम लोग। कैसा रहने वाला है 2024 का सितंबर, किन नंबर्स के लिए ये मंथ जो है अच्छा रहेगा, किन नंबर्स के लिए ये मंथ थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा और किन के लिए थोड़ा न्यूट्रल रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, सामान्य सा होके गुजर जाएगा। तो जो कोई व्यक्ति किसी भी महीने के 5, 14 और 23 तारीख को पैदा हुआ है, ये जो कमिंग मंथ सितंबर का है वो बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जितने भी एक सीरीज के डेट हैं, 1, 10, 19 या 28 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, 3 सीरीज की जो डेट है, 3, 12, 21 और 30 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं, और 6 सीरीज की जो डेट है, 6, 15, 24 और 8 सीरीज की जो डेट है, 8 वालों के लिए लगभग पिछला और उसके पिछला महीना बहुत अच्छा नहीं गया है, अब उनके लिए अच्छा समय आ रहा है। तो जो 8 सीरीज की डेट है, 8, 17 और 26, ये जितने भी डेट्स मैंने बताए, इन सारे डेट्स के लिए जो सितंबर मंथ है, जो सितंबर महीना है, वो अच्छा रहने वाला है, अच्छे रिजल्ट लेके आ सकता है। ऑस्पिशियस पीरियड की अगर हम बात करें तो 3 सितंबर से लेके जो 17 सितंबर का जो पीरियड है वो ऑस्पिशियस रहेगा, अच्छे रिजल्ट देने की पॉसिबिलिटी बनती है, एनर्जी जो है उस टाइम पे बहुत पॉजिटिव रहेगी। स्पेशली जिन डेट्स की अभी बात की गई, अगर इन डेट्स के लोग अगर उस पीरियड में, जैसे अगर कोई नया अगर आप काम इनिशिएट करना चाहते हैं तो इस स्पेसिफिक पीरियड में अगर अपने कार्य को आप इनिशिएट करेंगे, और जो आगे में भी मैं डेट्स बताऊंगा स्पेसिफिकली, अगर उन डेट्स को भी उसमें लेके आ जाएंगे तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो हाईली रिकमेंडेड, अगर कुछ नया आप शुरू करने का प्लान कर रहे हैं तो 3 सितंबर से 17 सितंबर का जो ये टाइम फ्रेम है, इसके बीच में उसको करिए। अगर हम लकी डेट्स की बात करते हैं, कौन कौन से डेट सितंबर में अच्छे रहने वाले हैं, तो जो 1, 3 और 5 इन सीरीज के जो लोग हैं, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 3 और 5 इन सीरीज पे आती है, उनके लिए 1, 3, 5, 10, 12 और 14 ये जो डेट्स हैं वो ऑस्पिशियस डेट्स है, अच्छी डेट्स है। इन डेट्स पे जो मैंने ऑस्पिशियस पीरियड बताया, उनमें अगर ये डेट्स जब आ रही हैं, तब जब आप अपने कार्य को करते हैं तो आपको अच्छे से सफलता मिलती है। इसके बाद जो 6 नंबर वाले लोग हैं वो 1, 5, 10, 14 और 15 इन डेट्स पे अगर कोई कार्य करना चाहे, ये डेट्स इनके लिए लकी है, बहुत अच्छा है, इन डेट्स पे वो कोई इंपॉर्टेंट कार्य कर सकते हैं। इसके बाद जो 8 नंबर वाले लोग हैं वो 3, 12 और 14 ये जो डेट्स हैं वो इनके लिए अच्छी हैं, इन डेट्स को वो यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी करने के लिए या कुछ नया इनिशिएट करने के लिए। अगर हम लकी डे की बात करें तो 1, 3 और 5 वालों के लिए वेंसडे, संडे और थर्सडे ये जो है लकी डे है, इन डेज को भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को करने के लिए। इन जनरल जो है इनको इन डेज पे अच्छे रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा अगर हम नंबर 6 की बात कर लें तो फ्राइडे जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर हम नंबर 8 की बात कर लें तो वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे जो है इनके लिए अच्छा है। अगर हम कलर ऑफ द मंथ की बात करें तो कलर ऑफ द मंथ जो है वो ग्रीन कलर है। रिचुअल क्या रहेगा इस महीने के लिए, सितंबर में ग्रीन कलर एवरी सैटरडे आपको पहनना है। जितने भी नंबर की बात की गई जिनके लिए ये मंथ अच्छा है उनके लिए ये मस्ट है। इसके अलावा जो बाकी के नंबर के लोग हैं वो भी जो है इस रिचुअल को फॉलो कर सकते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा जो नंबर 9 है, जो लोग भी 9, 18 और 27 तारीख को पैदा हुए हैं उनके लिए ये मंथ थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है, थोड़ा अच्छा नहीं रहने वाला है। तो
इस मंथ में इनके लिए एडवाइस यही है कि थोड़ा पेशेंस रखें, एंग्जाइटी में या एग्रेशन में ना फंसे। अगर आप किसी के साथ एग्रेशन में जाते हैं, किसी के साथ अगर आप बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव बिहेवियर दिखाते हैं, तो वो आपके लिए ही बैकफायर करेगा। इस मंथ में थोड़ा सा लेट गो करना सीखिए, इस मंथ में थोड़ा सा चीजों को स्लो भी अगर चीजें होती हैं तो उनको एक्सेप्ट करिए। जब आपका सही समय आएगा तो उस समय जो है आपको फिर अच्छे से एफर्ट लगा के परफॉर्म करना है। ये मंथ थोड़ा आराम करने का है, रूटीन में जैसी चीजें आप करते हैं वैसे करते रहिए, और अगर रिजल्ट मिलने में डिले होता है तो उसको एक्सेप्ट करिए। नंबर 2, 4 और 7, जो लोग भी 2 तारीख की डेट्स पे पैदा हुए हैं, जो लोग भी 4 की डेट्स पे पैदा हुए और जो लोग भी 7 की डेट्स पे पैदा हुए हैं, उनके लिए ये मंथ न्यूट्रल है। ना तो बहुत अच्छा रहेगा और ना ही बहुत खराब रहेगा। तो आराम से रिलैक्स होके इस मंथ को जो है, जो अपना रूटीन वर्क आप करते हैं, जिस तरीके से आप करते हैं उसको करते रहिए और चीजों को प्रॉपर तरीके से होने दीजिए। अपने जो ड्यू कोर्स उसका जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। जब आपका सही समय आएगा तो फिर चीजें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। वैसे तो जो 2, 4 और 7 वाले लोग हैं उनको सितंबर में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इनिशिएट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी ऐसा लगता है कि आप कुछ इम्पोर्टेंट इनिशिएट करना चाहते हैं, तो ये जो स्पेसिफिक डेट्स है, इन डेट्स पे अगर आप इन चीजों को करेंगे तब भी चीजें आपके फेवर में जा सकती है। जो ये डेट्स हैं 2, 7, 10, 11 और 16, जो ये डेट्स हैं 2, 4 और 7 वाले जो लोग हैं, अगर इन डेट्स पे अपने काम को प्रायोरिटाइज करेंगे तो उनको ओवरऑल जो है एक अच्छा पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकता है। सो ये है सितंबर 2024 की प्रेडिक्शन। न्यूमरोलॉजी का जो सबसे बड़ा फायदा है कि यहाँ पे बहुत सटीक तरीके से चीजों को बताया जा सकता है, बहुत सटीक तरीके से गाइडेंस मिल सकती है कि क्या यूज करना चाहिए, क्या नहीं यूज करना चाहिए। जो डेट्स आपके लिए अच्छी बताई गई है उन डेट्स को नोट डाउन करिए, उन डेज को नोट डाउन करिए और फिर प्रायोरिटाइज करिए अपने काम को, अपनी एक्टिविटी को। जब आप उन चीजों को करना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कैसे धीरे 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 आपका लक फैक्टर जो है इनहेंस होता है और कैसे आपके फेवर में चीजें आनी शुरू होती हैं। थैंक यू।